गुड मॉर्निंग जनता, सो मैं एक और नए क्वेश्चन के साथ में आ गया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने शायद इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या करें, तो कभी भी ऐसे रेशियो अगर निकालना होता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको इसको तो मान लो कि भाई ये आपका आई वन है और ये आपका आई टू। ये तो सबसे आसान काम है, ये आप कर सकते। अब इसे मानने से फायदा क्या हो सकता है कि सेपरेटली इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। बहुत बार क्या होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन आफ्टर सम सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर कुछ मैनिपुलेशन के बाद में, तो फिर क्या होगा, आपकी वैल्यू आराम से मिल सकती है। तो ऐसे ही ट्राई करते हैं कि आई वन आपका आएगा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी लॉग ऑफ का वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई का वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आप ध्यान से देखें अगर, तो एक चीज अपन कर सकते हैं, उसका क्या नाम है कि भाई एक्स को टैन थीटा डाल सकते हैं। बोलोगे सर टैन थीटा क्यों डालेंगे, टैन थीटा डालने से वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा आएगा, जिसको आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये आराम से एक इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, आप आराम से उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक्स इक्वल टू टैन थीटा अगर आ गया मेरा, सो डी एक्स यहाँ से आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मेरे पास आई वन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई वन आ जाएगा, लिमिट डालो जीरो से क्या होता है टैन जीरो आ रहा है, इन्फिनिटी टैन कहाँ पे आता है पाई बाई टू पे आता है, इसमें क्या आएगा लॉग वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दिस इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू और ये देखो वन प्लस टेन स्क्वायर, ये क्या होगा लॉग सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आई वन आपके पास आ गया इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ का कॉस ऑफ का टू लॉग ऑफ का वन बाई कॉस ऑफ का थीटा आएगा। किसी को लगेगी क्या किया है, तो कुछ नहीं किया है, आपको पता है पावर को बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लिया मैंने, और सेकेंड थीटा को आप क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा। तो ये फाइनल हो जाएगा टू रेज टू पावर जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ का कॉस ऑफ का थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आप याद रखें तो बेटर है, वो पॉइंट क्या है पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि बच्चे एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जिसका वैल्यू याद रखना चाहिए आपको, जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ का साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ का कॉस ऑफ का थीटा डी थीटा। इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है आपके पास माइनस पाई बाई टू एल एन टू, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पाई एल एन टू। तो आई वन आपको मिल गया, सिमिलरली अब क्या करना है अपने को आई टू निकालना है। आई टू में भी क्या है, सेम सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करते हैं, सेम सब्स्टिट्यूशन आई टू में यूज करोगे तो अपने पास देखो क्या आ रहा है, आई टू आपके पास आएगा आई टू इक्वल्स टू लिमिट जीरो टैन जीरो जीरो होता है, वन कहाँ पे आता है पाई बाई फोर पे आता है, लॉग ऑफ का वन प्लस टैन एफ का थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर क्या होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड दिस इज सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा जीरो से पाई बाई फोर लॉग ऑफ का वन प्लस एफ का टैन एफ का थीटा डी थीटा। अब मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं जो भी मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे, मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप क्या करें ना, इसकी वैल्यू याद रखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ऐसा नहीं है इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, आराम से इसका लॉ की प्रॉपर्टी यूज करके एंड डेफिनेट इंटीग्रिटी की प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट याद रखें तो बहुत बार आपका टाइम एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाला है। इसकी वैल्यू आती है पाई बाई टू एल एन टू। अगर किसी को
ये लगे कि सर ये वाला प्रूफ कैसे करते हैं, ये ऊपर वाला प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ चाहिए तो आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं प्रूफ करके भी इसका डाल दूंगा। सो इसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई के एल एन टू। सो आपका सिंपल सा आप देख सकते हैं आपके पास क्या मिल गया, आई वन डिवाइडेड बाई आई टू सिंपली आ गया पाई एल एन टू डिवाइडेड बाई पाई बाई एट एल एन टू। सो दिस इज इक्वल टू एट, दिस इज आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्वेश्चन करते रहिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।